धमतरी जिले के ग्राम मेचका में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम मचका का है, जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वही इस हत्या की सूचना मिलते ही मेचका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम मेचका निवासी गुंजलाल नेताम अपनी पत्नी की चरित्र को लेकर शंका करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। वही घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ और तैश में आकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। जी, मेचका थाने में आज हमें एक महिला की लाश मिली थी, जिसका डॉक्टर ने बताया कि उसका गला घोटा गया है। तो उस संबंध में हमने जो आज की तस्दीक करी है, उसमें हमें यह स्पष्ट हुआ है कि यह हत्या जो है उसी के पति द्वारा की गई है, जिसको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों में आपसी वाद विवाद था और पति जो है पत्नी पर संदेह करता था और ये लोग नियमित शराब का सेवन करते थे, इसी के बीच में वाद विवाद हुआ है और उसी के दौरान हत्या हुई है। वही छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेताओं के चुनावी अभियान पर निशाना साधा है। सीएम ने कांग्रेस नेताओं और को झूठ बोलने के बदजुबानी के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप भी लगाया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि जहां भाजपा का पूरा चुनाव अभियान विकसित भारत के विजन को लेकर था, वही मुद्दा विहीन कांग्रेस शेष कर भूपेश बघेल, चरणदास महंत जैसे नेताओं ने सिर्फ झूठ बोलकर बदजुबानी को ही अपना ध्येय बना लिया है।